कस्टेलाइन एंड एमॉर्फस कंप्लीट हो गया है अभी इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड्स, बिकॉज चैप्टर का नाम है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स तो यहाँ पर हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों सिर्फ दो ही कंपाउंड्स के बारे में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अलावा और नहीं दिया अभी कोर्स में नहीं है तो नहीं दिया है ठीक है साथ ही साथ बच्चों <coughs> आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ अबाउट मैथ्स मास्क के अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो बच्चों आप लोग एनरोल करो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पर जैसे कि अभी आप लोगों को पता है आपका एनुअल एग्जाम भी आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिसका आप लोगों को लाइक like, जो कि बहुत डाउट होगा या फिर आप लोग स्किप कर दिए हो पढ़े नहीं होगे तो आपको वहाँ पर उसका वीडियो मिल जाएगा तो आप लोग मैथ्स मास्टरी से अपने मैथ्स को लाइक जो भी डाउट्स उसको क्लियर कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ओके सो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो कि वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सबको पता है कि यह इन्वायरमेंट में पाया जाता है जैसे कि ऑक्सीजन गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है हाइड्रोजन गैस होता है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है ठीक है और वो हमारे एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है फ्री स्टेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह ही वो नॉर्मली घूमता रहता है और कंबाइंड स्टेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड में प्रेजेंट होता है मतलब कंपाउंड में के अंदर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा लेकिन वो गैस की फॉर्म में नहीं मिलेगा वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना किसी के साथ लाइक रिएक्ट करके कोई तीसरा चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्बाइंड फॉर्म में मिलना ठीक है बेसिकली <coughs> हम लोग क्या जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि ये जो गैस है वो हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो एक्जेल आउट करते हैं है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है फिर प्लांट्स को ये गैस जरूरी रहता है फॉर फोटोसिंथेसिस इतना बेसिक चीज़ हम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला होता है सी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ठीक है ओके एन्वामेंट में बच्चों इसका जो क्वांटिटी है इसका जो अमाउंट है वो है जीरो पॉइंट जीरो थ्री से ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट मतलब इतना ही है इससे ज़्यादा नहीं है ठीक है तो ये भी आप लोगों को लाइक याद रखना है ज़रूरी है ओके okay. <clears throat> याद रखना वो चीज़ आ जाता है एग्जाम में अच्छा अगर मैं बात करूँ कि फ़्री स्टेट में हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ मिलेगा तो बच्चों एन्वायरमेंट में तो चलो वो घूमता रहता है है ना एन्वायरमेंट में तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है हम लोगों को कोल कोलमाइंस एरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है वॉल्कैनिक एसेज जो होते हैं ना जब ज्वालामुखी फटता है वॉल्कैनिक इराप्शन होता है तब उस समय भी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है ठीक है देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि वो पानी में घुल जाता है पानी में घुल जाता है वो और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनको वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है बेसिक बेसिक चीज़ें और अगर हम लोग बात करें कि अगर कंबाइंड स्टेट में ये हम लोगों को कहाँ मिलता है तो कंबाइंड स्टेट में ना बच्चों ये हम लोग को ना वो चूना में जो हम लोग चौक यूज़ करते हैं उसमें मिलता है कंबाइंड स्टेट में ठीक है मैं यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ मैं करी नहीं थी बट कर देती हूँ यहां पर कर देती हूँ ठीक है इन कंबाइंड स्टेट आप लोग भी देखो इन कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड ये कैसे पाया जाता है एज मेटल कार्बोनेट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म पे पाया जाएगा ठीक है एज ऐसे लिख देती हूँ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म पे ये मिलता है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो गया तो ये सब फॉर्म में भी ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर में है कार्बोनेट के फॉर्म में बोलने का मतलब यही है फिर जो आप लोगों को पता है जो चूना होता है जो हम लोग जो चौक यूज़ करते हैं उसका कॉम्पोजिशन यही होता है सी ए सी टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी प्रेजेंट है बट इस कंपाउंड के फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में वो प्रेजेंट है ठीक है और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना मरीन एनिमल्स जिसमें वो शेल्स रहते हैं शी शेल्स एंड कोरल रिप्स उसमें भी ये कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बनता है आगे आगे पढ़ोगे अभी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रिपेरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग कैसे बना सकते हैं तो बच्चों बहुत अलग अलग तरीका है जनरल मैथड जो है इसको बनाने का वो है कि अगर हम लोग के पास मेटल कार्बोनेट्स या फिर बाई है अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो हम लोग को वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर मेटल कार्बोनेट में है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग नाम मेंशन कर सकते हो ये है कैल्शियम कार्बोनेट यह है सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम लोग ये कार्बोनेट्स को ऐसे हीट करते हैं स्ट्रांगली जब हम लोग इसको हीट करते हैं ना तो यहाँ से ये लोग डिकॉम्पोज होते हैं ये डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है तो हम लोग को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में सियोटू गैस सीओ गैस जो है वो निकल जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करने से हम लोगों को एक तो, तो इसका कार्बोनेट मिल गया वाटर वेपर भी यहाँ पर मिल जाता है और साथ में सी टू गैस जो मेन है वो निकलता है तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है अगर कंपाउंड को आप हीट कर रहे हो और उसमें कार्बोनेट या बाई है तो सी गैस वहाँ पर पक्का निकलेगा यहाँ पर एक्सेप्शनल केस यहाँ पर क्या है पोटेशियम एंड सोडियम कार्बोनेट पोटाशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट दे आर स्टेबल टूवर्ड्स हीट तो उनको हीट करने से ना सी गैस वो लोग नहीं देते ठीक है ओके okay, नेक्स्ट जो नेक्स्ट तरीका है वो है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स और मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स वही हम लोग मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स को लिए उनको हम लोग ट्रीट करवाएंगे उनको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे विद डाइल्यूट एसिड्स जैसे कि यहाँ पर एस है हमारे पास डायल्यूट एस भी है तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में ना डायल्यूट लिख लेते हैं वो सही है ठीक है ये डायल्यूट है हुआ समझ में आया ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एज वेल एज डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दो एसिड हम लोगों के पास है तो जब हम लोग कार्बोनेट्स या मेटल बाई कार्बोनेट्स को ट्रीट करवाते हैं ये एसिड के साथ तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखोगे रिएक्शन होगा और रिएक्शन होगा अब कार्बोनेट है तो सी ओ टू तो निकलेगा ही निकलेगा है ना फिर ये सोडियम और सल्फेट मिलके बना देंगे क्या एक सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बना देंगे जो कि घुल जाएगा और पानी भी यहाँ पर साथ में निकलेगा यहाँ भी बच्चों सेम चीज़ होगा बस अगर आप लोगों को कहीं पर बैलेंसिंग नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को बैलेंस करना है ठीक है हर एक इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और एक चीज़ मैं बता दूँ मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ बट ऐसे ना जब हम लोग ऐसे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखते हैं तो उनके नीचे नाम भी लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है एग्जाम में भी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा ठीक है

डायग्राम देखो ओके तो यहाँ पर आप लोगों को ये लैब में हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पर बताया है डायग्राम से समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये एपेराटस दिख रहा है इसका नाम है वुल्फ्स एपेराटस सॉरी वुल्फ्स बॉटल अपेराटस नहीं वुल्फ्स बॉटल ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक बॉटल ले लिए हैं बॉटल में हम लोग को यहाँ पर कॉर्क चाहिए रहेगा तो कॉर्क ले लिए दो ठो कॉर्क विद अ होल ठीक है फिर यहाँ पर ये गैस जा रहा है ये डिलीवरी ट्यूब है और ऊपर में थिसल फनल ये थिसल फनल है हम लोग को ये ये चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ध्यान से सुनना सबसे पहले क्या किया गया है ना जैसे इसमें तो चलो डाइल्यूट एसिड जो भी एसिड लेंगे ना उसको हम लोग भर लेंगे ठीक है जो भी है मतलब आप लोगों को ये रिएक्शन के लिए ना जो रिएक्टेंट्स चाहिए वो है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर होता है ना और आपका मार्बल का भी यही कॉम्पोजिशन है और चौक में भी यही होता है तो वो एक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा हो गया डाइल्यूट एस एसिड तो आप लोगों को ये दो चीज़ चाहिए ये दो चीज़ ही रिएक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल सकता है तो क्या करेंगे यहाँ पर वो एसिड भर लेंगे डाइल्यूट एस और यहाँ पर नीचे में डाल दिए हैं मार्बल चिप्स ठीक है जिसका कॉम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट सी ओके अब यहाँ पर पहले डाल दिए थे वो मार्बल चिप्स और यहाँ पर हम लोग थिसल फनल में ले लिए हैं क्या लिए हैं डायल्यूट एसिड यहाँ पर ये स्टॉपर है इसको खोल के मतलब हम लोग अलाउ करेंगे कि ये एसिड जो है वो नीचे में चले जाए इतना हम लोगों को ऐसे भरना है इसको कि जो लोअर एंड है ना थीसल पनल का वो एसिड में घुस जाए डीप हो जाए ठीक है यहाँ से डिलीवरी ट्यूब स्टेप से अरेंजमेंट कर देंगे गैस चार के अंदर ऐसे कर देंगे तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट और डायल्यूट एसिड जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये लोग रिएक्ट करेंगे रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगा हम लोगों को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि यहीं रह जाएगा साथ में एस टू ओ यहीं पर फॉर्म हो जाएगा और साथ में मिलेगा सीओ टू गैस ये जो सीओ टू गैस मिलेगा वो ऐसे ऊपर से निकलेगा मतलब वो क्या करेगा ना ये डिलीवरी ट्यूब को क्रॉस करके वो यहाँ से ये गैस जार की तरफ जाएगा जब ये गैस जार की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को पता है कि CO2 टू जो होता है वो थोड़ा हेवियर होता है एयर से तो जब CO2 टू गैस यहाँ एंटर करेगा तो वो क्या करेगा यहाँ ऑलरेडी जो हवा प्रेजेंट था उसको वो डिस्प्लेस कर देगा अपवर्ड डिस्प्लेस कर देगा मतलब उसको वो ऊपर भेज देगा एयर को और वो खुद नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्योर ड्राई प्योर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ कलेक्टेड बाय द अपवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मतलब एयर को वो ऊपर की तरफ डिसप्लेस कर देगा और खुद नीचे आ जाएगा ठीक है क्यों ऐसा क्यों कर रहा है बिकॉज इट इज़ हैवियर देन एयर तो ये हो गया आपका रिएक्शन तो मैं इसको एकदम सिंपल तरीका से यहाँ पर ऐसे बताई हूँ कि हम लोगों को रिएक्टेड चाहिए ये दो रिएक्शन ये होगा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट एंड एस रिएक्ट करेंगे तो एक तो क्लोराइड मिलेगा सॉल्ट एक पानी और एक सीओ गैस और कैसे कलेक्ट होगा बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यों अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होता है यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐसे आता है नेम द रिएक्टेंट्स यूज इन द लेबोरेटरी प्रिपेरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आपको रिएक्टेंट्स का नाम लिखना है हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर वाई इट इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर तो उसका रीज़न है बिकॉज इट इज हैवियर दे अभी इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी प्रॉपर्टीज कामिकल से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बुक्स ही बता देती हूँ है ना मैं लिखी भी हूँ नोट्स से ही बता देते हैं देखो सबसे पहले फ़िजिकल प्रॉपर्टी देख लो फिर केमिकल में जाएंगे तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम लोग भी तो एक्जेल आउट करते हैं हम लोग भी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो क्या वो दिखता है नहीं दिखता ठीक है तो वो कलरलेस है उसका ऐसे कोई स्मेल भी नहीं होता तो वो ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस कोई टेस्ट भी नहीं होता ठीक है देन नॉन पॉइजनस गैस होता है ये ऐसा नहीं कि जहरीला है कि इसको हम लोग अगर इन्हेल करेंगे तो मर जाएंगे नहीं ये नॉन पॉइजनस है ठीक है देन ये हैवी है एयर से ये हम लोग को पता है तो कितना हैवी है वन पॉइंट फाइव टाइम्स हैवियर देन एयर है ये पानी में घुल जाता है तो इन वाटर और एक चीज़ अगर हम लोग ये गैस को ठंडा करेंगे क्योंकि गैसेस तो ठंडे हो सकते हैं डेफिनेटली मैटर को ठंडा कर सकते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो ये गैस है पहले ये लिक्विड फॉर्म में होगा फिर ये सॉलिड फॉर्म में होगा अगर आपको इसको सॉलिड फॉर्म में वो जो ड्राई आइस बनता है ना आप लोगों को पता होगा बर्फ़ जैसा दिखता है धुआं निकलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकदम ठंडा कर देते हैं इतना टेम्परेचर में माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस में तो वो जम जाता है और वो हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में मिलता है जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं और बहुत ही फेमस ये वर्ड है ड्राई आइस जो कि बहुत जगह यूज़ होता है ठीक है ना वो धुआं धुआं करता है वो ओके okay? और अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ का देखें कहाँ गया केमिकल प्रॉपर्टी देखें ये तो फिजिकल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो बच्चों ये जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है गैस yes, अगर आप लोग जैसे कि गैस निकल रहा है लैब में अगर प्रिपेयर कर रहे हो ये गैस निकल रहा है आप लोग एक लिटमस पेपर ले लिए ब्लू वाला उसको गिल्ला करके ले लिए मॉइस्ट और आप लोग ऐसे गैस को एक्सपोज़ करोगे ये लिटमस पेपर को गैस की तरफ तो गैस लिटमस पेपर के कॉन्टैक्ट में आएगा और पानी में आप लोग उसको गिला करके रखे हो तो सी ओ टू पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो एसिड बनेगा कार्बोनिक एसिड बनता है ठीक है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो शो करता है कि सी ओ टू गैस जो होता है वो एसिडिक होता है ठीक है ड्राई सीओ टू गैस एसिडिक नहीं वो पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आया क्योंकि हम लिटमस पेपर को गला करके लिए थे तो पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आया पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आया तो वो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक बोर्ड कार्बोनिक एसिड बन गया एसिड है तो डेफिनेटली ब्लू का रेड होगा ओके okay. ये कम्बस्टिबल भी नहीं है मतलब ऐसे जलता नहीं है और ना ही ये ऑक्सीजन की जैसे सपोर्टर ऑफ कम्बशन है बिकॉज ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने में मदद करता है पर इसका ऐसा कुछ भी नहीं है ये जलने वलने में मदद नहीं करेगा तो ना इधर कम्बस्टिबल नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन पानी में घुलता है तो अगर एक पर्टिकुलर प्रेशर में पानी में हम लोग उसको डुबाने का कोशिश करेंगे डुबाने का मतलब घुलवाने का कोशिश करेंगे तो इट डिज़ोल्व इन वाटर टू तो गिव कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जैसे कि एस सी एल एसिड नाइट्रिक एसिड ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ और उसका फॉर्मूला होता है एच टू सी ओ थ्री तो वाटर में ये घुल के हम लोग को जो एसिड देता है उसका नाम है कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला है एच टू सी ओ थ्री देन ये बिकॉज ये एसिडिक नेचर का है तो ये एल्कलीस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे सकता है कि नहीं बिकॉज ये एसिडिक नेचर का है तो सी ओ टू को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को एक सॉल्ट मिल गया सोडियम कार्बोनेट तो हम लोगों को एक सॉल्ट मिल गया सोडियम कार्बोनेट और दूसरा मिल गया पानी ठीक है यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है ये यह यहाँ पर इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि हम लोग सी को एकदम कम क्वान्टिटी में यूज़ किए मतलब बोलने का मतलब ये है कि सपोज आप लोग इसको एल्कली के साथ रिएक्ट कराओगे और सी ओ टू को कम यूज़ कर रहे हो जब इसको कम यूज़ करोगे तो आप लोगों को मिलेगा एन ए टू सी ओ थ्री क्लियर लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हो सी ओ टू अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वही रिएक्शन कर रहे हो तो जो एनओ टू सी ओ थ्री जो पहले मिल रहा था ज़्यादा सी ओ टू आ गया वो इसके साथ रिएक्ट करके बाई कार्बोनेट में बदल देगा फिर तो क्वेश्चन आएगा कि वॉट टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड वैन स्मॉल या लेस अमाउंट ऑफ या लिमिटेड सप्लाई ऑफ सी ओ टू इज़ ट्रीटेड विथ एल्कली तो वॉट टाइप ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म मेटल कार्बोनेट बट इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सी ओ टू विल बी यूज टू ट्रीट विथ वॉट और टू रिएक्ट विथ वॉट किसके साथ रिएक्ट करने के लिए एलकली के साथ सो एट दैट टाइम वी विल गेट बाई कार्बोनेट तो यहाँ पर मिल रहा है बाई कार्बोनेट तो इसको याद रखना जब कम सीओ टू तो सोडियम कार्बोनेट मतलब यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिए थे ना सॉरी यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे ना इसलिए सोडियम कार्बोनेट अगर के ओ एच लेते पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेते तो पोटाशियम कार्बोनेट मिलता तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर हम यूज़ कर रहे हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ सी ओ टू के साथ तो हम लोग को क्या मिलेगा मेटल <coughs> कार्बोनेट पर अगर ज़्यादा सी ओ टू यूज़ करोगे तो बाई कार्बोनेट इसका रिएक्शन या रिएक्शन आ सकता है ठीक है या फिर स्टेटमेंट दे देगा इसको प्रूव करो बाय गिविंग एन एग्जांपल तो आप लोगों को ये एग्जांपल देना पड़ेगा ऐसे आता है क्वेश्चन क्लियर ओके देन और भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके <coughs> okay. अब जैसे कि हम लोग लाइम वाटर ले लेते हैं बच्चों लाइम वाटर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास में टीचर पूछते हैं और यही सब चीज़ें से तो अगर आप आंसर दोगे तो ऐसा लगेगा कि यहां आप ध्यान से सुन रहे हो पढ़ रहे हो ठीक है लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है सी ए ओ एच होल्ड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर है याद रखना जब आप लाइम वाटर को जैसे कि ना स्कूल में पता है क्या करवाते हैं लैब में लाइम वाटर ले, ले लेते हैं ऐसे टेस्ट ट्यूब में और ऐसे कॉर्क लगा देते हैं और ना ऐसे वो एक डिलीवरी ट्यूब या फिर इस टाइप का ऐसे एक ट्यूब जैसा डाल देते हैं और हम लोगों को बोलते हैं फूको ये लाइम वाटर लाइम वाटर थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा होता है जब हम लोग फूकते हैं तो हमारे मुँह से सी ओ टू गैस निकल रहा है तो जब हम फूकेंगे ना तो सीओ टू गैस निकलता है तो पता है क्या होता है ये एकदम मिल्की मिल्की टाइप हो जाता है मिल्की अपेयरेंस हो जाता है ठीक है तो ये शो करता है कि हमारे मुंह से जो गैस निकल रहा है वो सीओ टू गैस है क्योंकि जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कांटेक्ट में आता है तो मिल्की अपीयरेंस होता है वो क्यों होता है क्योंकि वो लोगों का रिएक्शन होता है मतलब यहाँ तो आप लाइम वाटर लिए थे जिसका फॉर्मूला है सी ए ओवेच होल्ड टू आप लोग यहाँ से ब्लो किए सीओ टू गैस निकला दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तभी वो मिल्की मिल्की अपीयरेंस होता है वो होता है क्यों ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में पानी भी बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट इन्सॉल्यूबल होता है चूना पानी देखना चूना इन्सॉल्यूबल होता है कि नहीं होता है तो उसी टाइप से मिल्की अपेयरेंस होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये लिमिटेड सप्लाई में था लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सी गैस पास करोगे ना लाइम वाटर से तो इन्सॉल्यूबल मिल्की अपेयरेंस वाला सब्सटेंस बनेगा जिसका फॉर्मूला है ये लेकिन अगर आप लोग ज्यादा सी गैस पास करवाओगे लाइम वाटर से तो पता है क्या होगा पहले तो ये इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था ना आप लोग ज़्यादा जब सी पास करवाओगे तो वो उसके साथ ज्यादा CO2 के साथ रिएक्ट करके आपको बाई कार्बोनेट बना देगा पहले कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था लेकिन ज्यादा CO2 हुआ तो बाई कार्बोनेट बन जाएगा जो कि सोल्यूबल होता है क्लियर जो कि क्या होता है सोल्यूबल समझ में आया? ओके ये तो बता चुकी हूँ। अब इसका थोड़ा यूजेस भी देख लो तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का तो खूब सारा यूजेस है पहला रेस्पिरेशन में सॉरी uh, फोटोसिंथेसिस में काम आता है प्लांट्स लोग करते हैं कि नहीं जो आप लोगों को पहले पता है आप तो वही लिखोगे है ना फिर फ़र्टिलाइज़र बनाने में भी काम आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो फर्टिलाइज़र बनाने में भी काम आता है जैसे कि जो यूरिया बनता है उसका फॉर्मूला है एन एच टू सी यू एन एच टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इसमें नाइट्रोजन है देखो यही इस टाइप का फर्टिलाइजर जब हम प्लांट्स को देते हैं ना तो मिट्टी एकदम फर्टाइल हो जाता है ठीक है तो यूरिया बनाने के काम आता है कौन कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा अब आपको पता है कि हम लोग इसको एकदम ठंडा करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्राई जिसका टेम्परेचर एकदम मतलब बहुत ठंडा होता है वो और इतना ठंडा होता है ना कि आप लोग उसको टू प्रिजर्व फूड फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए आप लोग उसको यूज कर सकते हो क्लियर सो इट एज इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व फूड फूड को प्रिजर्व करने के लिए ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी काम आता है देन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि स्प्राइट हो गया कोका कोला पैप्सी ये सब जो एग्जाम्पल है ये सब जो ड्रिंक है ये लोग कार्बोनेटेड होते हैं मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकदम प्रेशर के साथ घुलाया जाता है इसलिए जब हम इसको खोलते हैं तो एकदम इट फीजेज आउट होता है ना एकदम झाग जैसा निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है क्लियर तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या एरेटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं देन बेकिंग सोडा आप लोग फार्मूला देखो बेकिंग सोडा का ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है फार्मूला पता होना चाहिए आप जो खाते हो बेकिंग सोडा डालते हो एन ए एच सी ओ थ्री सी ओ थ्री मतलब पक्का कार्बन यूज़ हुआ है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है है कि नहीं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके बेकिंग सोडा बनाते हैं वॉशिंग सोडा भी बनाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री देन इट इज़ यूज इन द फूड इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री में देखो बेकिंग पाउडर को भी जो बनाते हैं वो बेकिंग सोडा की मदद से बनाते हैं और बेकिंग सोडा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं इसीलिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेकिंग पाउडर को बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर कैसे बनता है बाई यूजिंग बेकिंग सोडा एंड टाइटेरिक एसिड टाइटेरिक दोनों को यूज करते हैं दोनों को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं और हम लोग को मन मिल जाता है कि आप बेकिंग पाउडर तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर आप लोग सुने होंगे ठीक है फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए ओके देन, देन क्या है अब फायर एक्सटिंग तो बच्चों फायर एक्सटिंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लोग फायर एक्सटिंग यूज़ करते हैं तो जो गैस निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसका काम क्या होता है फायर एक्सटिंग का टेस्टिंग फायर आगे को बुताने में ये मदद करता है है ना सो सीओ टू गैस प्रोड्यूस होता है किससे फ्रॉम फायर एक्स्टिंगशर और ये कैसे काम करता है जैसे कि आप लोग फायर एक्सटिंग यूज किए तो कौन सा गैस निकला सी ओ टू गैस कहीं पर आगे जल रहा था तो ये गैस जब उसमें जाके कॉन्टेक्ट में आता है तो सी ओ टू गैस भारी होता है हवा से तो वो क्या करता है ये सेटल डाउन हो जाता है मतलब ये उस जगह में जाके बैठ जाता है सी ओ टू गैस और ऑक्सीजन को और अंदर मतलब जो चीज़ जल रहा था उसमें और ऑक्सीजन को लगने देता नहीं है तो ये कट ऑफ कर देता है द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन से तो जलता है और ये आके उसके चारों तरफ कवर कर लेता है उसको क्योंकि भारी भी रहता है तो उड़ के जाता नहीं है ये चारों तरफ उसको कवर कर लेता है तो उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं है और वो जलना मतलब कोई भी चीज़ जब जलता है तो रुक जाता है क्लियर अच्छा एक और चीज़ है फायर एक्सटिंगशर के बारे में कि बेसिकली जैसे आपके बुक में बेसिकली दिया है थोड़ा सा दिया है सोडा एसिड फायर एक्सटिंगशर के बारे में डाइग्राम के साथ लेकिन और दो एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में दिया है जैसे कि फोम टाइप एक्सटिंगशर हो गया और एक हो गया लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगशर ठीक है पहले ये दो को हम लोग देख लेते हैं तो फोम टाइप एक्सटिंगशर जो होता है फोम जैसा उसमें क्या होता है ना आप देखो बच्चों वायर एक्सटिंगशर के अंदर में अलग, अलग अलग केमिकल्स होते हैं वो लोग एक साथ रिएक्ट करते हैं फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है क्लियर तो जो फोम टाइप एक्सटिंगशर होता है उसमें जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर में क्या रिएक्शन होता है उसके अंदर में जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है मतलब उसके अंदर ये दो केमिकल रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं उसको ऐसे याद रखना ज़्यादा दिया नहीं है क्योंकि वो कोर्स में नहीं है ठीक है सो फोम टाइम फोम टाइप एक्सटिंगशन में से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो कैसे निकलता है बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम बाई कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट ओके और दूसरा जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगशर है इसके अंदर में ना बच्चों लिक्विड सी ओ टू होता है जब हम लोग दबाते हैं वहाँ पर उसको जब हम लोग लाइक जो भी नोज़ल वॉजल जो भी होता है मैं आपको फोटो शेयर कर दे रही हूँ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एस्ट्रीब्यूशन इसमें आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसके अंदर में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है तो प्रेशर कम होता है प्रेशर कम होता है तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डेफिनेटली वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता होगा ठीक है आज अलग अलग भी बच्चों आता है वो अब आपके कोर्स में है ये मैं एकदम ऐसे नहीं कि मैं एकदम इसका प्रॉपर डाइग्राम बनाई जितना मेन है जो जहाँ रहता है उसी टाइप से मैं बता दी हूँ सोडा एसिड फायर एस्टिंग विशर सोडा एसिड फायर एस्टिंग विशर में बच्चों बेसिकली एक कंटेनर होता है कंटेनर तो सब में होता है ठीक है इसमें जो कंटेनर होता है उसमें ना सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन होता है NaHCO3 थ्री उसका सोल्यूशन होता है मतलब उसको घोल के पानी में उसको यहाँ पर इस टाइप से नीचे में वो रहता है ऊपर में एक कांच का बॉटल होता है सील जिसके अंदर में होता है एसिड कौन सा एसिड होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है ठीक है कौन सा एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इस टेप से सेटिंग होता है प्लंजर जब हम लोग उसको दबाते हैं सपोज कहीं आग लग गया यूज़ करना है तो ये जो एच टू एस ओ फोर गैस है ठीक है ये जो एस सॉरी ये जो एस टू एस ओ फोर एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कॉन्टैक्ट में आता है किसके सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के जब हम लोग यूज़ करते हैं तभी तो सी ओ टू निकलेगा ना ये दोनों यहाँ पर अंदर में अलग अलग केमिकल यूज़ किया गया है जब हम लोग जब हम लोग एक्सटिंगशर को यूज़ करते हैं तो ये जो कांच का बॉटल है ना ये टूटता है जिसकी वजह से एस टू एस ओ फोर और सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं जब ये लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो रिएक्शन होता है रिएक्शन होता है तो हम लोगों को वहाँ से सी ओ टू गैस मिलता है बच्चों ये रिएक्शन होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये रिएक्शन होता है सोडियम बाई कार्बोनेट किसके कांटेक्ट में आता है सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है जब ये लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हम लोगों को मिलता है सोडियम सल्फेट पानी और साथ में सीओ टू गैस यही सीओ टू गैस जो है वो आग को बुताने में काम आता है क्लियर तो ये याद रखना ये जो है इसको याद रखना हुआ तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंगशन में जो दो केमिकल्स यूज़ किया जाता है उसका नाम याद रखना और जो मैं आपको फोम टाइप फायर एक्स्टिंगर बताई उसमें जो केमिकल को यूज़ करते हैं उसका भी नाम याद रखना सिंपल सा देखो, monoxide, है देखो ज़्यादा नहीं है अब है कार्बन मोनोऑक्साइड ये लास्ट कंपाउंड है खत्म हो जाएगा चैप्टर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए सी ओ ये जो गैस है वो हाईली पॉइजनस होता है कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं था ये पॉइजनस होता है इसको अगर आप लोग स्मेल कर लोगे ना तो धीरे धीरे क्या करेगा ना आप लोग मतलब आपको ये आपका डेथ हो सकता है बोलने का मतलब ये है अब देखो हम लोग के ब्रेन को काम करने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस खून से कंबाइन होता है होमोग्लोबिन पकड़ लेता है फिर वो जाता है हमारे ब्रेन में तो हमारा ब्रेन काम कर रहा है सीओ का जो कैपेसिटी है ना हमारे हेमोग्लोबिन से कंबाइन होने का कार्बन मोनोऑक्साइड का 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी एज कम्पेयर टू तो ऑक्सीजन मतलब ये 200 गुना ज़्यादा जल्दी हमारे होमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन और अगर ये कम्बाइन हो गया तो ऑक्सीजन कहाँ से कम्बाइन हो पाएगा तो हमारा ब्रेन काम भी नहीं करेगा इंसान मर सकता है समझ में आया ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइजनस है और ये पता है कैसे निकलता है क्या फ्यूल्स इनकम्प्लीट जलते हैं इनकम्प्लीट कम्बन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोक्साइड जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी पाया जाता है ओके इसका कोई कलर नहीं होता और ये ऐसे टेस्टलेस होता है ऐसे कोई इसका टेस्ट वेस्ट भी नहीं होता ठीक है कलरलेस टेस्टलेस चलो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया okay. एक चीज याद रखना कि जब ये जलता है बिकॉज ये फ्लेमेबल है जलता है ये तो जब ये जलता है तो ये ना पेल ब्लू कलर का फ्लेम में जलता है मतलब इसका जो कलर होता है फ्लेम का वो होता है पेल ब्लू हल्का सा लाइट ब्लू कलर का फ्लेम के साथ ये बर्न होता है एयर में ठीक है वाटर वेपर के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस वाटर वेपर के साथ ये हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करके बेसिकली पता है कहाँ होता होगा ये इंडस्ट्रीज़ में फर्नेस में जब हीटिंग वीटिंग होता है ना वहाँ होता होगा ठीक है तो वाटर वेपर के साथ ये हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करके दो चीज़ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग भी होता है है कि नहीं होता है ओके okay, अब बात करते हैं इसका जो मेन इसके बारे में जो हाईली पॉइजनस इसको बोलते हैं क्यों बोलते हैं ये चीज़ के बारे में बात करते हैं सपोज आप लोग सांस लिए ठीक है जब आप लोग सांस लेते हो तो सपोज़ आप लोग सांस लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर में गया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेता है और हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है एक कंपाउंड है ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन मतलब हेमोग्लोबिन के साथ आप लोग पढ़े हो कि ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो सब काम सही चलता है है ना पर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर लिया अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर लिया तो ऑक्सीजन कहाँ से कंबाइन कर 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 पाएगा नहीं कर पाएगा अब मतलब आप लोग सोच लो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होमोग्लोबिन का आर का वो तो कम हो गया तो कहाँ से ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो रहा है हेमोग्लोबिन में तो बच्चों ऑक्सीजन मिलना तो बहुत ज़रूरी है तो इस कंडीशन में डेथ हो सकता है इस कंडीशन को बोलते हैं एस्पिक्सिया जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है इंसान मर भी सकता है होता है बहुत जन तो मर जाते हैं ठीक है थीके? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसका बुक में जो एक्स्ट्रा दिया है ना वो थोड़ा देख लो अच्छा है आप लोगों के लिए ठीक है अब बच्चों यहाँ पर बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है कि नहीं कार्बन मोनाक्साइड फ्राम कम्बशन फ्यूम एज दोज मेड बाय स्टोव एंड बर्निंग ऑफ कोल कैन बिल्ड अप इन पोअर वेंटिलेटेड प्लेसेस मतलब बोलने का मतलब यही है अभी हम लोग घर में जैसे कि देखना बोलते हैं ना कि जो घर में जो आगी बागी जलाते हैं कोयला जलाते हैं लकड़ी जलाते हैं तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है ठीक है अब अगर आप लोग कहीं घर के रूम के अंदर जला रहे हो तो मतलब ऐसे तो नहीं जलाना चाहिए बट बहुत जन ठंड वाले एरिया में क्या करते हैं ना फायर होता है ना वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होता है तो दिक्कत नहीं होता ठीक है पर अगर आप लोग चूल्हा सिगड़ी जो भी आप लोग बोलते हो स्टोव स्टोव रूम के अंदर रखे हो और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है हवा आना जाना नहीं हो पा रहा है तो भाई रूम में तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरता जा रहा है है ना और हम लोग अगर बाई चांस वहाँ पर सोए हैं अगर आप लोग आप लोग ऐसे जला के रात को सो गए हो ठंड में सोचिए रख देते हैं अंदर में और सो गए हो तो सुबह उठ नहीं पाओगे सोए के सोए रह जाओगे क्यों बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकला है हाइली पॉइजनस होता है आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को वो कम कर देगा हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर देगा जिससे आपका स्पिक्सिया हो जाएगा और आप मर सकते हो तो सिम्टम्स इसका क्या होता है पता है हेड एक डिजीनेस नॉइजिया चक्कर आएगा जी घबराएगा उल्टी उल्टी लगेगा मतलब बेहोश हो जाओगे मतलब यही है कि अगर कंटिन्यू ऐसा ही होगा और आप लोग ऐसा लग रहा है अगर आप लोग ओपन प्लेस में नहीं गए तो ख़त्म इसलिए ना बोलते हैं कि इस टाइप से रात को नहीं सोना चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए बाहर ही बना लो भाई या किचन में भी अगर आप लोग इस टाइप से यूज़ करो तो धुआँ हुआ बाहर जाए इस टाइप से आप लोग ध्यान रखना ठीक है नाउ रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोग पढ़े हो ना पीछे में भी आप लोगों को बताई थी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये बच्चों रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ये अच्छा एक रेड्यूसिंग एजेंट है ठीक है सामने वाला को ये रेड्यूस कर देगा रेड्यूज कर देना मतलब ऑक्सीजन निकाल देगा या फिर हाइड्रोजन ऐड करवा देगा उसी को बोलते हैं तो जब हम लोग इसको ट्रीट करवाएंगे विथ मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि जिंक का ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड कॉपर का ऑक्साइड तो ये उनके साथ रिएक्ट करके उनमें से ऑक्सीजन हटवा देगा मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटवा के मेटल अलग कर देगा ऐसे जैसे कि आयरन ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड के साथ जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करवाते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करवाते हैं तो ये तो रेड्यूसिंग नेचर वाला है ये क्या कर देगा इनका मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल अलग कर देगा तो मेटल अलग हो गया यहाँ से ऑक्सीजन निकल के अपने में कंबाइन कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा डाईऑक्साइड में हर जगह बच्चों वही हो रहा है आप लोगों को यही बेसिक चीज़ याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन निकाल के मेटल को अलग कर देगा तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है कौन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है क्लियर मतलब इसका ऐसा नेचर है बोल के ना वो जो ओर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओट्स मतलब ज़मीन से जब जैसे कि बॉक्साइट हो गया ठीक है ज़मीन से मिलता है बॉक्साइट बॉक्साइट से बच्चे एलुमिनियम मेटल को हम लोग डिराइव करते हैं पर उसमें एलुमिनियम डायरेक्टली नहीं है वो कंपाउंड के फॉर्म में फिर इम्प्योरिटीज़ है तो साफ उफ करके बहुत प्रोसेस होता है उसके बाद एलुमिनियम लास्ट में मिलता है तो जमीन से इंप्योरिटी के साथ हम लोग को जिस टाइप से जो चीज़ें मिलती है ना उसको हम लोग ओट्स बोलते हैं तो इस इसका ऐसा नेचर है रेड्यूसिंग नेचर बोल के इसको ना एक्सट्रैक्शन ऑफ़ मेटल में भी यूज़ करते हैं जब ओट से जब मेटल निकलवाते हैं ना तो वहाँ पर भी ऐसे आगे में जलाना और ऐसे इस टाइप का प्रोसेस वहाँ पर किया जाता है तो सीओ को वहाँ पर यूज़ किया जाता है अलग अलग है मैं तो यहाँ पर आपको बस नॉर्मली एग्जाम्पल दी हूँ एलुमिनियम का लेकिन बेसिकली इनको यूज़ किया जाता है मतलब ये सब एलिमेंट्स को अलग करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया ठीक है केमिस्ट्री आपका ख़त्म पूरा फिर बस हम लोगों का क्या बचा है बायोलॉजी भी हम लोग का आधा हो चुका है लास्ट चैप्टर और एक दो पार्ट बनेगा फिजिक्स का एक लास्ट चैप्टर बचा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ो आप लोगों का एग्ज़ाम भी आ रहा है ऑल द बेस्ट धीरे धीरे कर धीरे धीरे करके मैं उस सबको भी कम्प्लीट कर दूँगी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना थैंक यू